भाई दूज का त्योहार। अटूट रिश्ते का निस्वार्थ प्यार। नाविका शिवांश का डांसिंग याराना। भाई दूज है ही ऐसा त्योहार जो भाई बहन साथ में हो वो जमकर खुशी खुशी मनाते हैं, जैसे कि नाविका कोटियन और शिवांश कोटियन। सास बहू और बिटिया में आज यही भाई बहन की जोड़ी अपने भाई दूज के त्योहार को स्पेशल बनाएंगी। ये एक दूसरे से भले ही लड़ ले झगड़ ले, लेकिन प्यार खूब करते हैं, क्योंकि भाई बहन की शान होते हैं और बहन भाई की जान। सबसे पहले मिलिए नाविका कोटियन और शिवांश कोटियन से, जो फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में भाई बहन के तौर पर ही नजर आए थे और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी दोनों ने साथ में काम किया है। हाल फिलहाल में नाविका कोटियन केसर का किरदार निभा रही हैं सीरियल क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है में, और आज इनका चल रहा है शूट, जिसके चलते ये सेट पर ही अपना भाई दूज का त्यौहार मना रही है। हाय एवरीवन, तो हम भाई दूज बना रहे हैं आज, और शूट की वजह से मुझे मेरे भाई को टाइम स्पेंड करने नहीं मिलता है, तो मैंने उसको कहा कि तू सेट पे ही आ जा, हम साथ में भाई दूज बनाएंगे। तो यहाँ पे भी हम धनतेरस का ही शूट कर रहे हैं, तो मैंने बहुत ही प्यारा सा एक आउटफिट पहना है, तो मैंने कहा ये परफेक्ट हो जाएगा। तो अब मेरा भाई बहुत जल्द पहुँचने वाला है सेट पे, तो बिफोर ही रीचेज आई जस्ट टच अप, वेयर माई ज्वेलरी, शॉट भी खत्म कर लूँगी एंड देन वील सेलिब्रेट। ओके, सो अब मैं रेडी हो गई हूँ, मेरा भाई भी आने ही वाला है, तो अब मैं उसके लिए थाल सजा रही हूँ। मैं भी रेडी हूँ, हमारी थाल भी रेडी है, अब बस शिवांश का वेट है। भाई नाविका तो भाई दूज की थाल सजाकर रेडी स्टेडी गो है, और तभी इनके भाई शिवांश ने भी एंट्री कर ली, और दोनों भाई बहन जैसे ही साथ में आए तो देखिए कैसे दोनों की मस्ती भरी नोकझोंक शुरू हो गई। शिवांश इज हियर, हेलो, कैसा है? डिड यू मिस मी? Obviously yes. Of course I missed you. Happy Bhai Dooj. जल्दी मान भी गया, आज तो कुछ तो खास है। आ जा, देख मैंने तेरे लिए मस्त थाल सजाई है। अच्छा पहले बता तो सही मैं कैसी लग रही हूँ? 200 रुपए जीपे कर दूंगी। वाओ! अच्छा बैठ जा। आज हम बनाएंगे भाई दूज। भाई लोगों का दूज, भाई दूज। उफो, तो हम बहुत कम मिल पाते हैं आजकल। अरे मैं करूंगी तेरी पूजा, पकड़ अभी। हम शूट की वजह से हमारा शेड्यूल मैच नहीं होता, कुछ ये भाई साहब कॉलेज जाते हैं, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, थैंकफुली। तो मेरा कॉलेज रहता है और दीदी का पूरा टाइम शूट रहता है, तो उसमें बिजी रहती है, फिर घर पे आओ तो अरे यार अभी परेशान मत, ऐसे नहीं करती, आई एम वेरी एनर्जेटिक। मम्मी यार इसको बोलो ना, ऐसे कभी नहीं करती मैं। अभी मैं खाना खा रही हूं। नहीं तो इसलिए मैंने इसको, जब भी मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है मैं इसे सेट पे बुला लेती हूं, तो आज तो ऑब्वियसली बनता ही था इसका यहां आना। अब मैं इसकी आरती उतारूंगी ऐसे। हां ये देखो यार पापा, इतना माल मेरे छोटे, बहुत प्यारा बनाया मैंने।
लड्डू नहीं आधा 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 पूरा मैंने भी रक्षाबंधन पे दिया था। हाँ पर अभी मैं शूट कर रही हूँ ना तो मैं गिफ्ट ले नहीं पाई तो ये तो गलत है यार। सॉरी निक जी देखो मेरे डब्बे में मेरे बास्केट है उसमें बहुत कुछ खाने का है उसमें से कुछ मिल जाएगा। नहीं नहीं चीटिंग मेरे को देखो मिनिमम 2-3 BHK का घर सी फेसिंग तीन बी एच के का घर विद लैविश व्यूज एंड अमेजिंग हेलो वो सब मिलेगा लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक दो और थोड़ा शूटिंग करनी है। लेट्स गो। तो गाइस नेक्स्ट जी मैं आपके लिए प्रे कर रहा हूँ। लोग पता बोलते हैं ना मेरी बहन बोलती है सबको कि मेरा भाई मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर है। जब रीजन बताना चाहोगी? हाँ वो इसलिए ताकि इसको फायदा हो। जब लास्ट शो मैंने किया था तब इसको क्या AirPods Pro 2 मिले थे। अब इसको चाहिए कुछ तो स्पीकर्स पता नहीं कौन से भेजे थे इससे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। यस गाइस प्लीज अगर आप मेरी बहन को फॉलो करते हो तो उसके हर पोस्ट पे जाके कमेंट करो कि जस्टिस फॉर शिवांश कोटिया। उसको जाके हर चीज जो भी व्हाट्सएप पे फोटो भेजता है ना क्राइंग इमोजी के साथ उसको प्लीज दिला दो। आज मुझे भी साथ में ब्लॉक कर देंगे। नहीं नहीं ऐसा करेंगे गाइस। करोगे कि नहीं करोगे? आई बिलीव इन यू। प्लीज भाई कितना भी तंग कर ले बहनों को मगर बहनों की जान होते हैं भाई। और शिवांश में तो नाविका की जान बसती है। और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनका उनके भाई के साथ कैसा कनेक्शन है। मेरा भी बैग वहां रखा है बट आई हैव द सेम वॉलेट। ये वॉलेट शिवांश ही लेकर आया था हमारे लिए बिकॉज हमारा रिश्ता टॉम एंड जेरी जैसा है बट थोड़ा कम, थोड़ा सा और लाइक टॉम एंड जेरी का जो लड़ाई वाला पार्ट है हमारे बीच में बहुत ही कम लड़ाई होती है। बहुत अंडरस्टैंडिंग है। शी इज माय फेवरेट पर्सन। हमारी मस्ती वैसी है। और अगर आप बॉन्ड के बारे में पूछो तो शिवांश एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। या फॉर श्योर बोलते हैं बट इस मतलब हम एक मिनट एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम एक भी डिसीजन एक दूसरे से पूछे बिना नहीं ले सकते। हम ऐसी एक भी बात नहीं है जो एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। तो मतलब कुछ भी हो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा लाइफ अपडेट हो सबसे पहले अगर ये नहीं है घर पे तो इसको एक कॉल मिला जाएगा। ये उठाएगी भी बीच शूट में सिर्फ बोलेगी हाँ बोल शिवांश क्या हुआ और इसको फुल डिटेल में बताया जाता है। टचवुड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ ब्रदर लाइक हिम। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने एक्चुअली एक भाई मांगा था अपने पेरेंट्स से 4 साल की थी मैं कि मुझे एक भाई चाहिए शिव जी के मंदिर में जाके मैं रोज प्रे करती थी बाबूलाल के मंदिर में और लकीली ये मिल गया इसलिए हमने इसका नाम शिवांश रखा है शिव का अंश। तो मेरे लिए तो ये हमेशा से एक गॉड की ब्लेसिंग ही है एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम। और ये नहीं होता तो मैं पता नहीं कैसे सर्वाइव करती। बहुत फंसे हैं बहुत। अभी जैसे इसकी पढ़ाई चल रही है तो ये मैं इसके कमरे में घुस जा के इससे बात करता रहता था और ये भी बात करती थी इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। मम्मी आके मस्त डांटती थी मेरे को। मैं मस्त डांट खाता था कभी कभी तो मार भी खा जाता था। तो अब भी होता है जब मैं शूट से घर पहुंच जाती हूँ तो मेरा और इसका मन नहीं होता है कि हमारी बातें खत्म नहीं होती। तो हमारा मन नहीं होता कि हम अपने अपने रूम में जाके सो जाए। फिर मम्मी आके डांटती है कि तेरा भी कल कॉलेज है तेरा भी शूट है जाके सो जाओ। फिर अब मम्मी पे चढ़ जाते हैं कि अरे क्या है हां आप तो हमको बात ही नहीं करने देती। मम्मी हमारे भले के लिए बोलती है क्योंकि फिर सुबह उठने में हम दोनों टाइम लगाते हैं। ये लगाती मैं नहीं लगाता देखो एक्चुअली। नका जी चलो हाँ प्लीज एक लेक्चर का मिस कर दूं मैं सुभ का। यार आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो मतलब भलाई का सुहाना ही नहीं रहा। मैं तो अपनी को कॉल करके नहीं बोल सकती कि भाई आज नींद आ रही आज नहीं आऊंगी मैं यहाँ अटेंडेंस नहीं लगती। जेनुइन हाँ हाँ मैं इनको नक्का जी बोलता हूँ जो सिर्फ मुझे बोलना अलाउड है। आई एम वेरी पजेसिव अबाउट इट। यस तो शिवांश बहुत छोटा था तब तक प्रॉपरली बोलता नहीं था ना बट इसको मुझे बुलाना था तो नविका दीदी की जगह ये नक्का जी बोलता था और वो बड़ा क्यूट साउंड करने लगा तो उसकी आदत बन गई। हमने भी कभी चेंज नहीं की तो अभी हमेशा मुझे नक्का जी बोलता है और मैं इसको शिवी बोलती हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार आया तो शिवड़ी बोलती हूँ।
और इसके कारण मुझे सब लोग इंटरनेट पे भी इन रियल लाइफ भी शिवी शिवी बोलने लग जाते हैं। कोई बात बिल्कुल नहीं पसंद। एंड मुझे भी ऐसा नहीं है गाइस, आप बोलो शिवी प्यार से, जब तक जो भी बोल रहे हो बोलो, बट इसको प्यार से मेरे अलावा कोई बोलता नहीं। राम जी मम्मी बोलती है, मेरा मांगडी का भील गया इस बात पे। एक्चुअली हम चारों की बॉन्डिंग यानी कि मॉम डैड और श्रांश और मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। टचवुड हम चारों एक दूसरे से बहुत ट्रांसपेरेंट है और चारों की आपस में बहुत बनती है, तो वो एक लाडला लाडली करना थोड़ा मुश्किल है। बट वो बात क्या हो जाती है ना, फिर मैं थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हूँ मेरी बहन से, ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ मेरी बहन से, ज़्यादा सब कुछ मतलब कहते हैं ना ओवरऑल, तो थोड़ा हो जाता है। बट अभी हमने ना प्रॉमिस किया था मम्मी को कि ऐसा बताना नहीं है, बट गाइस अभी मीडिया में झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए फिर देखो क्या है कि मतलब वो मंदिर वाली स्टोरी हमने इसको खुश करने के लिए बनाई है, एक्चुअली तो हम इसको कचरे की पेटी से लाए थे, तो वो थोड़ा होता है ना कि यार ये कुछ नया यार। मतलब मेरी मम्मी के पापा जब छोटे थे ना, तो उनके बड़े भाई बहन भी उनको ये बोलते थे कचरे की पेटी से लाए, अब तो कचरे की पेटी भी बोलते हैं हर जगह मेरे को ले आते, कुछ नया लाओ कुछ नया लाओ। हाँ वैसा ही है। तो ऐसा है कि फेवरेट तो कोई नहीं है, कुछ चीजें हैं इसकी जो मॉम को ज्यादा पसंद है और कुछ चीजें हैं मेरी जो मॉम को ज्यादा, जैसे सुबह उठना। और हम दोनों की शायद बनती इसलिए है क्योंकि हम एकदम ऑपोजिट है, कुछ चीजों में सेम है बट कुछ चीजों में एकदम ऑपोजिट है, तो बस यिंग यांग यिंग यांग। Game? जैसे तो हम हर तरह के गेम्स खेलते हैं, हम एक्चुअल वो जो गेमिंग वाले गेम्स होते हैं वो भी थोड़ा बहुत मैं खेलती हूँ, ये ज्यादा खेलता है, ये बहुत ज्यादा खेलता है, बट मैंने भी खेला है थोड़ा इसके साथ, तो वो हम कभी कभार साथ में खेलते लूडो, हैं लूडो बेस्ट हम गेम। बहुत ज्यादा साथ में खेलते हैं और बाकी तो हम एक दूसरे के साथ भी खेल लेते हैं, खिलवाड़ कर लेते हैं एक दूसरे। मतलब वो फील वो वाइब जो उस गाने में है ना कि आपका एक अपना एक इतनी डीप हो गई मेरी बहन, वो गाना जब भी बजता है तो मुझे वैसा ही फीलिंग आता है, वो वैसा ही है तन्नारी नारे। नहीं बट वही जो क्लीशे सॉन्ग है वही गाऊंगा नक्का जी के लिए, मैं गाना नहीं गाऊंगा बट आप लोग समझ गए। कोई भी ना आप 2010 का बॉलीवुड सॉन्ग ले लो क्योंकि वो हम दोनों के फेवरेट जॉनर्स में से है और हमें फुल वाइब, किसी का भी एक का मूड अगर डाउन होता है तो हम स्पीकर पे वो गाने बजा देते हैं और साथ में नाचते हैं बहुत ज्यादा, तो हमारा अपने आप मूड ठीक हो जाता है। तो या कोई पार्टी में जाते हैं और इसको अगर कोई भी ऐसा गाना है जिसका हुक स्टेप नहीं पता है तो मैं इसको सिखा देती हूँ, जैसे मैंने इसको जुगनू का सिखाया था। तो अब जो नया गाना आया टाइगर 3 का, थोड़े दिन पहले ही मैंने अपने कास्ट के साथ वो रील बनाई थी, तो अब मैं इसको सिखाऊंगी वो स्टेप ताकि ही इज आल्सो अप टू डेट लाइक ऑलवेज, ताकि फिर पब्लिक में कोई नाचे तो लोग बोले यार तुझे इतने हुक स्टेप कैसे आते, तो मैं बोलूंगा थैंक यू नेगा जी। नाच गाकर भाई दूज का त्योहार मनाकर नाविका कोटियन और शिवांश कोटियन ने अपने इस त्योहार को खास बना ही लिया। तो सबसे पहले तो सास बहू और बिटिया को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने बिजी शेड्यूल के बीच और शूट के बीच भी इसके साथ भाई दूज बना सकूं और थोड़ी बहुत मस्ती कर सकूं, तो थैंक यू सो मच। एंड गाइज मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, जो भी भाई है और अगर आपके पास एक बहन है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो, बिकॉज मेरे ओपिनियन में मेरी बहन तो सबसे अच्छी है। थैंक यू, मैं भी बहुत लकी हूँ कि मेरे पास एक छोटा भाई है एंड ही इज़ अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ, एंड आई होप कि आपकी लाइफ में भी भगवान ऐसे ही ब्लेसिंग्स दे। और दिवाली का त्यौहार है तो आई होप आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली, हैप्पी भाई दूज। Children's Day.
अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।